25 जून 1983 ये एक ऐसी तारीख है जो शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल पाएगा। इसी दिन भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वो कर दिखाया था जो इतिहास में दर्ज हो गया। कल के दिन 37 साल पहले भारत ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था। सबसे खास बात यह थी कि भारतीय टीम दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज टीम को फाइनल में मात दी थी। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टीम का हिस्सा तो बनते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से मैदान पर उतरकर खेलने का मौका उन्हें नहीं मिल पाता, फिर चाहे टीम मैनेजमेंट की बात हो या खिलाड़ी की चोट। ऐसा ही एक नाम है पूर्व तेज गेंदबाज सुनील वॉल्सन का, जो 1983 के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का सदस्य तो थे लेकिन टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन इसके बावजूद वह भावनात्मक रूप से टीम के साथ जुड़ाव महसूस करते रहते हैं। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले साल इंग्लैंड में हुए विश्व कप के शुरुआती मैचों से 12 दिन पहले जब उन्हें फ़ोन किया गया तो वह फ़ोन करने का कारण जानते थे। वह हमेशा इस पर मजाक भी उड़ाते हैं, हालांकि इसमें कोई व्यंग नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि हर चार साल में मुझे फ़ोन इंटरव्यू के लिए किया जाता है। वह 1983 प्रोडेंशियल विश्व कप की यादों को ताज़ा करने के लिए तैयार थे। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का दुख होता है कि वह 14 में से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो उस विश्व कप में नहीं खेले थे, तो अपने समय के सबसे तेज भारतीय गेंदबाजों में से शायद एक वॉल्सन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, जब मैं युवा था तब भी दुख नहीं हुआ और आज मैं सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ तब भी दुख नहीं होता है। टीम में 14 खिलाड़ी थे जिन्होंने विश्व कप जीता था और मैं इन 14 में से एक था, यह चीज़ मुझसे कोई भी नहीं ले सकता। वॉल्सन को जब विश्व कप टीम के चयन के बारे में फ़ोन आया तो वह इंग्लैंड में खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि तब मैं डरहम वेस्ट कोस्ट लीग में खेल रहा था, तब क्लब के एक अधिकारी ने मुझे चयन की सूचना दी। तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो पुष्टि करना मुश्किल था कि यह बात सही है कि नहीं। मैंने कीर्ति आज़ाद को फ़ोन किया, वो भी क्लब क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की, लेकिन मैं जानता था कि अंतिम एकादश में जगह बनाना बेहद मुश्किल होगा। वह ऑस्ट्रेलिया और एक काउंटी टीम के खिलाफ दो अभ्यास मैच खेल रहे थे। वॉल्सन ने कहा था, हमने दो मैच गंवा दिए और एक कमज़ोर काउंटी टीम के खिलाफ था। तब प्रेस कवरेज भी कम होती थी, हमने विश्व कप से पहले मैच में वेस्टइंडीज़ को हरा दिया और सब कुछ बदल गया। फिर उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कप्तान कपिल देव से कोई संकेत मिला कि वह कम से कम एक मैच तो खेल सकते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, एक मैच था वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, दूसरा राउंड रॉबिन मैच जो हम 66 रन से हार गए थे। मुझे मैदान याद नहीं, शायद ओवल था। वॉल्सन ने याद करते हुए कहा कि अगर मुझे सही से याद है तो रोजर बिन्नी को कुछ हल्की सी चोट लगी थी। कपिल ने कहा कि अगर रोजर फिटनेस परीक्षण में विफल होता है तो मैं खेलूँगा, इतने से मौके के लिए कौन उत्साहित नहीं हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बिन्नी फिट रहे। सुनील वॉल्सन ने आगे कहा कि तब फिटनेस परीक्षण में एक जॉगिंग का राउंड होता था, थोड़ा सा कुछ दौड़ना और कुछ गेंदें शामिल होती थी। जैसे ही रोजर ने भागना शुरू किया मुझे पता था कि मैं नहीं खेलूँगा। रोजर अच्छी फॉर्म में था और ठीक भी था कि कपिल, रोजर और मदनलाल सभी मैचों में खेले। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे मैदान जाने का मौका मिला क्योंकि दिलीप वेंगसरकर को मेलकम मॉर्सल की गेंद लगी थी और मैं उन्हें ड्रेसिंग रूम ले जाने के लिए गया था। मेलकम 1983 में अविश्वसनीय थे, हमने किसी को इतनी तेज गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा था। वॉल्सन ने आगे कहा कि मेरे बिना खेले ही टीम इंडिया लगातार जीत हासिल करने लगी थी, तो कप्तान कपिल देव ने टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं किए। इसके अलावा गेंदबाज के तौर पर बलविंदर सिंह संधु, कपिल देव, मदन लाल और रोजर बिन्नी की मौजूदगी और अच्छी गेंदबाजी ने भी मेरे लिए जगह नहीं बनने दी। पांचवें गेंदबाज की भूमिका को महेंद्र अमरनाथ ने बेहतरीन अंदाज में निभाया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपिल देव कई बार सुनील वॉल्सन को मौका नहीं दे पाने पर अफसोस जता चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड कप 1983 में मौका नहीं मिलने के बाद वॉल्सन को फिर दोबारा कभी वनडे या टेस्ट मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला, यानी वह कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू ही नहीं कर पाए। हालांकि वह घरेलू क्रिकेट में सबसे कामयाब गेंदबाजों में शामिल रहे। दिल्ली के बाद रणजी में रेलवे की टीम के लिए भी उन्हें ढेरों मैच मिले।
वॉल्सन ने कुल 75 फर्स्ट क्लास मैचों में 212 विकेट लिए हैं और वह भी महज 3.25 की इकोनॉमी रेट से। वॉल्सन को भले ही भारतीय टीम की ओर से कभी खेलने का मौका न मिला हो, लेकिन वह भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास के हिस्से के तौर पर याद किए जाएंगे। वैसे वॉल्सन आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल, जो उसका पुराना नाम है, के टीम के प्रबंधन से भी जुड़े रहे थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या सुनील वॉल्सन को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट क्रिकेट। धन्यवाद।